पंजाब के एक आर्मी जवान अमृतपाल सिंह की मौत हो गई और कहा गया कि उसे जो है गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया था, जिसको लेकर खूब विवाद भी हुआ था और विपक्ष ने सरकार और अग्निवीर योजना पर कई सवाल भी उठाए थे। लेकिन अब इस मामले में जो है सेना की ओर से जवान अमृतपाल सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं देने के पीछे की वजह बताई गई है। तो पहले आपको मैं पूरा मामला समझा देता हूं कि 10 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के पुंछ में LOC के पास तैनात जवान अमृतपाल सिंह की गोली लगने से मौत हो गई थी। वो अग्निवीर योजना के जरिए सेना में भर्ती हुए थे। खबर आई कि जवान को सेना की ओर से ना तो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और ना ही अंतिम विदाई। एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें जवान जो परिजन हैं वो जो है जवान के पार्थिव शरीर को कंधा देते हुए नजर आ रहे थे। इस पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, RLD जैसी पार्टियों ने अग्निवीर योजना और सरकार को, केंद्र सरकार को जमकर घेरा। 15 अक्टूबर को इंडियन आर्मी की ओर से इस बारे में एक ट्वीट किया गया। कहा गया कि अग्निवीर अमृतपाल सिंह की दुर्भाग्यपूर्ण मौत को लेकर कुछ गलत फहमियां हैं, तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है। सशस्त्र बल अग्निपथ योजना से पहले या बाद में शामिल हुए सैनिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। ये परिवार और भारतीय सेना के लिए एक गंभीर क्षति है कि अग्निवीर अमृतपाल सिंह ने ड्यूटी के दौरान सुसाइड कर लिया। मेडिकल कानूनी प्रक्रियाओं के बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए एस्कॉर्ट पार्टी के साथ सेना की व्यवस्था के तहत मूल स्थान पर ले जाया गया। सेना की ओर से आगे बताया गया कि साल 1967 के सेना आदेश के मुताबिक आत्महत्या के चलते होने वाली मौत की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं मिलिट्री फ्यूनरल की हकदार नहीं होती हैं। इस मामले पर बिना किसी भेदभाव की नीति का लगातार पालन किया जा रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक साल 2001 के बाद से 100 से 140 सैनिकों के बीच औसत वार्षिक क्षति हुई है, जहां आत्महत्या के चलते मौतें हुई। ऐसे मामलों में सैन्य अंत्येष्टि की अनुमति नहीं दी गई। दरअसल अमृतपाल सिंह पंजाब के मनसा के रहने वाले हैं। उन्होंने पिछले महीने ही सेना में ड्यूटी शुरू की थी। वो मनकोट सेक्टर के एक फॉरवर्ड पोस्ट पर सिपाही के पद पर तैनात थे। 10 अक्टूबर की सुबह जम्मू कश्मीर में उनकी मौत हो गई। शुरुआती जांच में ये सामने आया कि गोली जो है जवान की ही सर्विस राइफल से चली थी। हालांकि साफ नहीं हुआ कि सैनिक की मौत एक्सीडेंट से हुई या उन्होंने आत्महत्या की। 13 अक्टूबर को अमृतपाल सिंह का अंतिम संस्कार उनके गाँव कोटली कला में हुआ। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी सहयोगी ज्योति। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।